ये है इटालियन पॉपुलर प्योर वाइट, पंजाब के इलाके ननकाना और कसूर के दरमियान का इलाका है, वहाँ पर लगा हुआ है। ये तीन तीन फुट पे लगे हुए हैं कालों में, कालों के दोनों साइड लगे हुए हैं। 3.5 साल के पौधे हैं। इसी वक्त इसका जो रेट 2000 रुपये पी पौधा इनको मिल रहा है। 5 साल का जब ये हो जाएगा 1.5 साल बाद तो ये 4000 का एक एक पौधा हो जाएगा। ज़मीन के इर्द गिर्द ये लगाना चाहिए। एक मुरब्बा के इर्द गिर्द तकरीबन 5-6 हज़ार पौधे आ जाते हैं। तो उसमें यह है कि फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। काला अगर खाली रहे तो कोई फ़ायदा नहीं, पौधा लगा लिया जाए तो इससे बहुत इनकम मिल सकता है। 4000 का एक पौधा बेचे, 5000 पौधे लगाए हैं तो 2 करोड़ रुपए आसानी से बन जाते हैं। दरमियान में फसल भी लगाते रहे, फसल का कोई नुकसान नहीं होता, पूरा का पूरा फसल होगा। कमाद, गन्ना, मकई, हर चीज़ होता है। और ज़मीनों के चारों तरफ जो पौधे लगे हैं उसका अलग से फ़ायदा। यहाँ की ज़मीन काफ़ी ज़रहेज़ ज़मीन है, मिट्टी की क्वालिटी भी अच्छी है, नहरी पानी भी मौजूद तो नहीं है लेकिन ट्यूबवेल का पानी मीठा है। यह प्योर वाइट इटालियन पॉपुलर है। इसका असल मार्केट सियालकोट, लाहौर, कराची, मुल्तान, वहाँ पर इनसे बेड बनता है। माचिस की तीलिया, ये इसमें डेल्टा पॉपुलर है। डेल्टा की चमड़ी मोटी होती है। इसके अलावा ये सारे इटालियन पॉपुलर है। पंजाब में ये बहुत कामयाब है। इससे बहुत सामान बनते हैं। कराची में प्लाईवुड बनता है। ये सारा माल KPK से आता है, पंजाब और कराची। पंजाब की ज़मीनें बहुत बड़ी और अच्छी ज़मीनें हैं। अगर यहाँ लगाया जाए तो यहाँ भी इसका पैदावार बहुत बढ़ सकता है। ये कालों के दोनों साइड लगे हुए हैं। इसको आप बढ़ा सकते हैं, 6 साल रखो, 7 साल रखो, 10-10 हज़ार का भी एक पौधा बिक सकता है आसानी के साथ। 800 रुपये मन रेट आजकल चल रहा है पंजाब में, तो इससे भी ज़्यादा है क्योंकि KPK से जब यहाँ तक लाया जाता है तो रास्ते का किराया वगैरह ये चीज़ें पड़ जाती है। यहाँ पर शेखुपुरा, वेहाड़ी, बूरेवाला, साहिवाल, इर्द-गिर्द से लोगों ने दुकानें बनाई हुई है। कोई शटरिंग का सामान बेचता है, कोई ये लकड़ी वगैरह इस पॉपुलर का बेचता है। काम इसका बड़ा तेज़ी से चल रहा है। सेल और परचेज इसका बहुत है। कोई 600 मन हफ्ते का लेता है, कोई 1000 मन हफ्ते का ये लकड़ी लेता है और बेचता है। इर्द-गिर्द शेखुपुरा, वेहाड़ी, चीचावतनी, सरगोदा,
क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा है। नीचे वाला हिस्सा पॉपुलर का माचिस वगैरह इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और ऊपर का जो हिस्सा होता है वो शटरिंग वगैरह में इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ पर ये बड़े सेहतमंद पौधे हो रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई मसला नहीं है इसमें। केपीके में बार बार जगहों पर कुछ पौधों में बीमारी आ सकती है जहाँ पर पानी वगैरह कम होता है। महीने में दो मरतबा इसको पानी लाजमी चाहिए। काफ़ी सेहतमंद पौधे हैं इस। यहाँ पर जो चमड़ी की क्वालिटी हमने नोटिस की वो बड़ी बारीक है, और ये क्वालिटी इसलिए है कि यहाँ ज़मीन भी अच्छा है और पानी भी मीठा है, तो इसलिए चमड़ी की क्वालिटी बारीक है। इस वजह से इसकी लकड़ी भी सफ़ेद होती है, अंदर से प्योर वाइट होती है। इसीलिए ये माचिस की तीली वगैरह के कारखाने वाले, बैट वाले अच्छे रेटों में लेते हैं। बैट वाले के लिए ये चार चार फुट में इसकी कटिंग करते हैं नीचे वाले हिस्से से। ननकाना कसूर साहिवाल, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की ज़मीनें हैं। पॉपुलर को कादों में यूरिया नाइट्रेट पानी में देते हैं लोग। DAP महंगा भी है और उसका इस्तेमाल भी मुश्किल है, क्योंकि उसको मिट्टी में मिक्स करके देना पड़ता है, गड्ढा बनाना पड़ता है जड़ों के साथ। माशाल्लाह यहाँ पर जितने भी पॉपुलर सारे सेहतमंद है, कोई बीमार पौधा नहीं है इसमें।
और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये नया जंगल लगा है।